A lot of us are struggling with acne, right? इतने so ज़्यादा products आ चुके हैं market में serum, spot treatment, cream, moisturizer and what not. And पता ही नहीं चलता कि what will work and what won't. I am an oily acne prone skin type. अगर आपने मेरे पुराने videos देखे हैं, you guys know that I had a severe acne breakout and I did consulted a dermatologist once, but it did not work out for me. And after a point में किसी पे भी अपनी skin को लेके trust नहीं कर पा रही थी. So I got to reading and researching and आज की date में मेरी skin is acne. free and i am super confident that i know what works and what doesn't and when I, say it, I will never say this product is working or that product is working इट इज़ मेनली अबाउट द इन्ग्रीडियंट आई विल ऑलवेज टेल यू वॉट इन्ग्रीडियंट वर्कस फॉर वट कंसर्न एंड आपको वो इंग्रीडियंट जिस भी प्रोडक्ट में मिल रहा है वट एवर इज़ वर्किंग फॉर योर स्किन यू कैन गो अहेड विद दैट एंड फॉर दैट मैटर इंडियन फार्मेसी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे डू सच अ वंडरफुल जॉब वेन इट कम्स टू एक्ने एंड इसी लिए मैंने आप लोगों से कुछ टाइम पहले ये पेरोक्लिन टू पॉइंट फाइव जेल शेयर किया था आई मेरा वीडियो ऑन इट एंड वो वीडियो काफी लोगों को हेल्प किया आई गॉट सो मेनी कॉमेंट्स एंड डी एम सिंग दट दे scream एक्चुअली सेव्ड द स्किन मैंने इस क्रीम के तीन चार ट्यूब्स खत्म कर चुके हैं एंड जब मैंने इस क्रीम को यूज करना स्टार्ट किया था दिस वॉज समवेयर अराउंड थ्री हंड्रेड समुपीज एंड अभी तो ये फोर फिफ्टी भी क्रॉस कर चुका है इट इज जस्ट अ फिफ्टीन ग्राम ऑफ प्रोडक्ट एंड आंकने वालों को इसकी रोज ही ज़रूरत पड़ती है सो इट गेट्स ओवर सुपर क्विक एंड इट इज सो एक्सपेंसिव आई नो दैट तो इसीलिए मैं और क्रीम्स ट्राई कर रही थी इंडियन फार्मेसी से क्योंकि मुझे इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना था जो कि इससे थोड़ा सा अफोर्डेबल हो स्टिल सेम काम करे मेरे आंखने को टेम रखे बिकॉज इफ आई डू नॉट टेक केयर ऑफ माई स्किन माई आंखने वुड बी बैड दैट इज द प्रॉब्लम विद एन ऑयली आंकने प्रोन स्किन बट एनी मैंने काफ़ी सारे क्रीम्स ट्राई किए एंड फाइनली आई हैव नॉट वन बट alternative because it is for a fraction of the amount of this cream and you guys are gonna love it so yes if you're interested in today's video keep on watching till the very very end but if you're new to my channel take it a moment hit that red subscribe button now without any further blabbering let's just dive right into the video म के बारे में तो आज की वीडियो में ज्यादा नहीं बात करूंगी यू कैन चेक आउट माई प्रीवियस वीडियो फॉर दिस बट बेसिकली पेरोक्लिन टू पॉइंट फाइव जो जेल है इसमें बेंजॉइल पेरोक्साइड और क्लिंडमाइसिन का कॉम्बिनेशन है 2.5% पॉइंट फाइव परसेंट बेंजॉइल पेरोक्साइड है एंड वन परसेंट क्लिडमाइसिन है सो so बेसिकली जो बेंजॉइल पेरोक्साइड होता है वो अगर आपको एक्ने हो रखा है चाहे वो कोमिडोन्स हो एक्टिव एक्ने हो कोई भी एक्ने हो लाइक नॉट मेजर सिस्टिक हार्मोनल एक्ने उसके लिए नहीं काम करेगा बट लाइक इफ यू हैव माइल्ड एक्ने तो बेंजोइल पेरोक्साइड जितने भी आपके स्किन पे बैक्टीरियाज हैं जो कि कैक्ने कॉज कर रहे हैं उसको किल कर देता है एंड जो क्लिंडमाइसिन होता है वो उस बैक्टीरिया को दोबारा से आने के लिए रोकता है ताकि आपके एक्ने आगे चल के ना हो सो so, इस क्रीम में मेजरली यही दो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके वजह से कि ये क्रीम आपकी एक्ने को बहुत अच्छे से टेम कर देता है एंड एकदम रिमूव कर देता है स्किन से सो आई हैव दीज ऑल्टरनेटिव हेयर अब मैं रिसर्च कर रही थी एंड आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट अ क्रीम विच वॉज अ बिट मोर एफोर्डेबल और जिसमें की बेनजॉल पेरोक्साइड और क्लेंडमाइसिन uh, दोनों ही हो बट आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनी क्रीम जिसमें कि बेनजॉल पेरोक्साइड और क्लेंडमाइसिन दोनों ही हो तो मैंने सोचा कोई बात नहीं इन्ग्रीडियंट ही तो हमको चाहिए सो आई गॉट टू डिफरेंट क्रीम्स एक में बेंजोइल पेरोक्साइड है एक पे क्लेंडमाइसिन है बट आपको दोनों लेने का जरूरत नहीं है आई जस्ट गॉट देम बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्राई देम आउट कि दोनों से कौन सा बेटर काम कर रहा है और बेंजोइल पेरऑक्साइड आई गॉट दिस जेल दिस इज बेस्ट ए सी टू पॉइंट फाइव बेन्क्साइड इट इज सर्च अ गुड क्रीम अगर आपके स्किन पे अभी एंकने है ओ माई गॉड दिस विल वर्क सो ब्यूटिफुली मैं रिकमेंड करूँगी इसको आप पूरे फेस पे मत लगाओ जस्ट यूज इट एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट और अगर आप पूरे फेस पर लगा भी रहे हो तो आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स वॉश इट ऑफ एंड देन अप्लाई मॉइस्चराइजर इट इज़ सच अ गुड क्रीम इसको लगा के फील सेम इसका वाला आता है इट हैज़ अ वेरी सिमिलर ग्रेनी वाला टेक्स्चर एंड इट विल ड्राई आउट योर स्किन बिकॉज बेनजॉयल पेरोक्साइड है इट डज दैट यू जस्ट हैव टू मॉइस्चराइज योर स्किन एंड यू विल बी गुड टू गो आई एम स्टिल टेस्टिंग इट आउट बट मे को अभी जब मैंने अकेडमी ज्वाइन किया था तो मेरे काफ़ी ज़्यादा एक्ने हो गए थे मैंने अभी रिसेंट कुछ रील्स में शेयर भी किया था एंड अभी आप देखोगे तो माई स्किन डिज़ नॉट हैव एनी एक्ने एंड ये इन्हीं दोनों क्रीम्स का कमाल है मैंने एक हफ़्ते इसको ट्राई किया था एक हफ़्ते इसको ट्राई किया था आई वॉज हैविंग अ लॉर्ड ऑफ एक्ने बैक देन तो मेरे को दोनों ही क्रीम्स ट्राई करने को मिल गई थी एंड आई हैव एन ओपिनियन मैं इन दोनों ही क्रीम्स पर सेपरेटली डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊँगी बट फॉर नाउ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर अगर आप पेरोक्लिन यूज़ कर रहे हो एंड यू डू नॉट वॉन्ट टू बाई दिस क्रीम अगेन बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट यू कैन गेट बेंजैक ए सी इसमें बेंजॉइल पर ऑक्साइड टू पॉइंट फाइव परसेंट है ये काफ़ी अच्छे से आपके आँख ने इसको ड्राई आउट कर देता है एंड फॉर क्लिंड आई हैव दिस क्रीम विच इज कॉल्ड एक्टने स्टार अब इसमें वन परसेंट क्लिंडमाइसिन के साथ साथ निकोटिनमाइट भी है निकोटिनमाइट बेसिकली कह लो कि नाइसनाइड का कजन ब्रदर है इट वर्कस द सेम वोए इट इज फ्रॉम द सेम फैमिली वो आपके एक्ने स्कार्स को भी अच्छे से यू you नो know, हटाता है बिकॉज नाइस एंड वाइट वर्कस फॉर दैट तो जब मैंने ये वाला क्रीम शेयर किया था तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि एक्ने तो टेम हो गया एक्ने एक स्कार्स का क्या करें तो आप ये वाला क्रीम ले सकते हो इसका थिन लेयर अपने पूरे फेस पे जैसे हम उसको यूज़ करते हैं उसी तरीके से आप इसको भी यूज़ कर सकते हो एंड दिस वर्क्स सो वेल लाइक आई वुड से अगर आपको इन दोनों में से एक लेना है तो यू गो फॉर दिस वन आई लव दिस क्रीम क्लेंडेमाइसिन है इसमें तो बैक्टीरियाज तो हटाई देता है मेरे एक्ने सारे हट गए हैं एंड आगे चल के भी नहीं आएंगे तो अभी जैसे मेरे एक्ने नहीं है आई एम स्टिल यूजिंग दिस क्रीम ऑन एन एवरी डे बेसिस बिकॉज एज यू गाइज नो मैं मेकअप अकेडमी जाती हूँ वहाँ पर मेरे फेस पर मेकअप होता है ऑल्टरनेट डेज पर मेरी क्लासेज होती हैं सो ऑलमोस्ट एवरी डे आई एम हैविंग मेकअप ऑन माई स्किन एंड वहाँ पर लाइक समटाइम्स पीपल वॉश दे ब्राशेज समटाइम्स दे डोंट तो मुझे वो जो बैक्टीरिया होता है आई हैव एन स्किन मेरे को में हो जाता है तो इसलिए मैं इसको रोज ही यूज करती हूं ताकि यू नो आई जस्ट रिमूव द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी न्यू एक्ने फ्रॉम द रूट इट सेल तो इसलिए मैं इसको डेली ही यूज़ कर रही हूँ एंड इसने मेरे सारे एक्ने तो हटाई दिया साथ में जो नए एक्ने हुए थे तो उसके कोई भी स्कार्स नहीं मेरे फेस पे रहे हैं सो इट इज़ वर्किंग लाइक रियली ग्रेट तो अगर आपको एंकने और एक्ने स्कार दोनों का साथ में एक सोल्यूशन चाहिए गो फॉर दिस वन एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि यू वॉन्ट बेंजॉइल पेरोक्साइड के बेनिफिट्स ऑल्सो सो वॉट यू कैन डू इज एक्ने स्टार का सोप आता है तो आप इसका एक कॉम्बो बना लो वो जो सोप है उससे आप अपना फेस वॉश करो उसमें बेंजोइल पेरोक्साइड है एंड उसके बाद आप ये क्रीम लगाओ उसके पंद्रह बीस मिनट के बाद आप मॉइस्चराइजर लगा लो एंड यू विल बी सॉल्टेड सो दीज टू क्रीम्स आई फील आर सच गुड ऑल्टरनेटिव फॉर पेरोक्लिन जेल एंड दे प्रैक्शन ऑफ एन अमाउंट अगर मैं इसकी बात करूँ दिस वन रिटेल्स एट वन ट्वेंटी वन रुपीज एंड यू विल गेट थर्टी ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट सो बेसिकली इसका वन फोर्थ प्राइस है एंड इससे डबल क्वांटिटी है तो बेसिकली वन एथ प्राइस में आपको ये क्रीम मिल रहा है एंड इट वर्क्स एग्जैक्टली द सेम फील्स एग्जैक्टली द सेम लाइक सो गुड एंड अगर मैं इस क्रीम की बात करूँ तो दिस वन रिटेल्स अगैन एट वन टी रुपीज एंड यू आर गेटिंग ट्वेंटी टू ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट अगैन वन फोर्थ प्राइज एंड प्रैक्टिकली वन पॉइंट फाइव टाइम्स मोर प्रोडक्ट सो मैच लगा लो दिज आर सुपर 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 अफोर्डेबल एंड दे वर्क रियली ग्रेट तो आपको इतना ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है जस्ट गेट एनी ऑफ दिज टू एंड यू विल बी सॉर्टेड एंड अगर आपको इन दोनों में से किसी भी क्रीम का डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ कैसे करना चाहिए क्या करना चाहिए तो कॉमेंट्स में बताओ मैं पूरा शेयर कर दूंगी बट फॉर नाउ दीज आर द टू ऑल्टरनेटिव दैट आई गॉट दैट वर्क रियली रियली गुड फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट